सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आया जी पिंड बुद्धो बरकत, तहसील दसूआ, जिला हुशियारपुर। बुद्धो बरकत दसूआ तो लेंदे वाल 6 किलोमीटर दूर एक घोग वास्ता पिंड। इत्थे एक नज़र आया अंग्रेजों का बनाया हुआ नहरी बंगला, ये तुसी सामने स्क्रीन ते देख रहे हो, जिहड़ा कि बड़ी उजड़ी हालत में नज़र आ रहा है। अंग्रेजों ने वंड तो पहला पंजाबियों को जेकर नहरां दा वधिया निजाम दिता, उत्थे अंग्रेजों के चले जाने तो बाद जिथे नहरी निजाम हौली हौली तहस नहस हो गया, अंग्रेजों के कड़े कई छोटे सूए नहरां हौली हौली बंद हो गए। अंग्रेजों ने जेकर नहरां कटियां उत्थे नहरां की मरम्मत से रख रखाव लई स्टाफ रखिया, उत्थे नहरां ते स्टाफ की निगरान ले लई बंगले भी बनाए, ते नाल दफ्तर ते स्टाफ लई वधिया पक्कियां बैरकां भी बनवाईयां। इहो जे बंगले माझे विच अज भी बड़ी तरसयोग ते उजड़ी हालत विच मिल जांदे हन। उस तरह यह बंगला भी लोड़ी देखभाल ना होने कारण ढह रहा है, उजड़ गया है। किसी समय लगदिया सन इतने रौनक, दसते हैं कि चारे पासे होली फुल, अंग्रेजों की ठाठ, यह सन उन्होंने दफ्तर से नार रिहायश, इतने आके ठहरता सी अंग्रेज अफसर। है पौड़ियाँ उपर जा रही नज़र आ रही पुरानिया पौड़ियाँ, तो इस पौड़ियों रुखा ने अपने थां बना रहे हैं जेडे कि इस बिल्डिंग नूं होर नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोड़ है इस विरासत नूं संभालन की, तो बच्चों ने वेली पई थां नूं हुण ग्राउंड बनाया होया है। हर शाम नूं बच्चे इत्थे जुड़ते हैं, अपने खेडां दे करतब करदे हन। ये तसली वाली गल है कि सरकारी रकबा इंज दा इंज पिया है, इहदे उत्ते कोई नजायज कब्जा नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी 2-3 किले विच फैलिया इस बंगड़े का रकबा, है जो कोई उही पुराने बूटे लगे नज़र आ रहे हैं। तो यह बैक साइड तो तुम विखा रहा हाँ इस बंगले का व्यू, यह लोहे का जाल पोर्चनुमा शायद इत्थे खड़ती सी सरकारी गड्डी, तो इत्थे लगे होंदे सन दूर दूर तक फुल। तो इधर भी एक मुख गेट दसदे ने हुंदा सी जिहड़ा सीधा दरिया ब्यास के कोल वगदी बेई नदी ते जांदा सी। ते ऐ वेखो जी उजड़ गया वो बंगला, वो दफ्तर, अंग्रेजों ने इत्थों नाल वगदे ब्यास दरिया के कंडे इस दे नाल नाल एक तुसी बन बनाया, उहदे उत्ते बनाया एक ट्रैक जिवें कि रेलवे ट्रैक हुंदा है, ते उहदे उत्ते चलदा सी अंग्रेजां दा ठेला, उत्ते बैठा हुंदा सी एक अंग्रेज अफसर, ते धक्का लाउंदे सन मजदूर। बहुते मजदूर उदों इत्थे मुसलमान ही हुंदे सन क्योंकि इलाका ही सारा मुसलमानां दा सी। ऐ ओ तुसी बन, ते इत्थे हुंदी सी ओह पटड़ी, तो वंड तो बाद वो पटड़ी उखाड़ ली गई, तो अंग्रेज चले गए।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਨਾਲ ਵਗ ਦੀ ਬੇਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗੇਟ ਬੇਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। इस गेट का काफ़ी हिस्सा गायब है फिर भी सानू वेखण नू एक गेट अज भी मिल रहा है। यह हो गई नदी काली वेई तो यह बनिया होया है गेट। इत्थे चैनल चलता सी ए सामने नज़र आ रहा थले तक जाते सन गेट बिल्कुल काला रंग पानी का काली गई जी कि सुल्तानपुर लोधी तक जाती है फिर दरिया ब्यास विलीन हो जाती है।